हेलो लोंडो, क्या हाल चाल। मैं आपका दोस्त पैंक्स लेकर आ गया हूँ आपके लिए और नई कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल वीडियो। उससे पहले यार, वीडियो स्टार्ट हो तो मैं सोच रहा हूँ कि हमारे चैनल पे मैं रोस्टिंग वीडियोस भी डालूँ। देखो, इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। मैं सोच रहा हूँ पर वीक एक रोस्टिंग वीडियो चैनल पे जरूर आए। तुम्हें पता है आज की गन क्या है? वो है GKS। इसका गन्स में तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है, जल्दी से देख लो। ज्यादा एग्रेसिव इस बिल्ड के साथ तुम नहीं खेल सकते, तुम्हें नॉर्मली थोड़ा सा पीछे रह के ही खेलना पड़ेगा। ओवरऑल GKS की सबसे बेस्ट बिल्ड यही रहेगी। तो ये तो था गन स्मिथ, एंड विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो हमारी टीम में एकिम्बो नूब्स, दो एकिम्बो हैं हमारी टीम में और सामने वाली टीम में भी एकिम्बोज हैं। तो यार देखते हैं कैसा जाएगा, बट मैं अर्ली पिक जरूर लेता हूँ और अभी भी लूँगा और देखते हैं अभी कितने बंदे पकड़ूँगा। एक पकड़ा, दूसरा मुझे पता है तैयार बैठा होगा मारने के लिए, इसलिए मैं नहीं लूँगा पिक। ओके, तो इसको आसानी से मार देंगे। NA45 भाई साहब, वो जाके स्पॉन में कैंपिंग कर रहा है NA45 के साथ। ये थोड़ा सा टफ होने वाला है मैच। फैनिक प्लस NA45, गेम ब्रेकिंग चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो। तो मैं देखता हूँ एक ही तरफ जाके, कुछ शायद वहाँ पे एनिमीज मुझे मिलेंगे आसानी से मारने के लिए, क्योंकि देख कैंपिंग कर रहे हैं यार बंदे, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा सा एग्रेसिव होना ही पड़ेगा। जितने किल्स निकाल सकूँ मैं निकाल लूँगा। बाकी अगर GKS की बिल्ड की बात करूँ, बहुत ज़्यादा तगड़ी बिल्ड है। आवाज़ इसकी पतंग जैसी है, पता नहीं, मुझे लगता है पतंग जैसी आवाज़ है। फिर से वही NA45 हद हो गई है, मतलब यार मैं बी कैप तो मिल गया। चलो, तो ये NA45 वगैरह यार पता है क्या, मुझे ना ज़्यादातर जब बंदे मारते हैं ना, गन फाइट में नहीं मारते वो, मारते हैं मुझे इन्हीं चीज़ों से, या तो बलिस्टिक शील्ड ले आएंगे, NA45 ले आएंगे, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें ला ला के मारते हैं यार। थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड सा हो जाता हूँ मैं इन चीज़ों से, बट क्या कर सकते हैं, स्क्रिम्स वगैरह तो मैं खेलता नहीं हूँ कि ये सब बैन हो जाए। ओके, तो यहाँ पे बी तो हमारा ही है और मुझे तो लगता भी नहीं कि वो ट्राई भी करेंगे बी कैप के लिए। ओके, तो वो बंदा मुझे दोबारा NA45 से मार देगा, इसलिए मैं नीचे उतर जाता हूँ पहले ही। ओके, तो ये ज़्यादा चालाक बन रहा है, उछल कूद कर रहा है, इसको उड़ा देंगे सबसे पहले। और अंदर से एक बंदा आएगा, मुझे 101% पता है, जल्दी आ जा। ओके, तो तुमने देखा ना GKS ने कितना जल्दी मारा है, तो मैं तुम्हें जरूर कहूँगा कि ट्राई करके देखना GKS की वाली बिल्ड, तुम्हें काफ़ी मज़ा आने वाला है। ओके, तो यहीं पे बंदे हैं और यहीं पे मैं थोड़ा सा होल्ड करूँगा, यहीं पे खेलूँगा, ज़्यादा आगे पुश नहीं करूँगा क्योंकि एकिम्बो लेके आए हुए हैं ये सब, और फिर ये मुझे मार ही देंगे 101% सच है, मारेंगे ही मारेंगे। तो ये भी एकिम्बो नूब है, दो एकिम्बो तो अभी मुझे सामने सामने दिखे हैं। ओके, तो भाई मैं नहीं पुश करूँगा ऐसे कुत्तों की तरह बीच में, पर ये लगा क्यों नहीं, सही हाथ हो गया मतलब, और पीछे से वो आया नहीं, पता नहीं क्यों भाग गया लगता मुझे एनालेटर देख के। ओके, एक नीचे था, वो मार दिया उन्होंने, नाइस। ओके, तो हमारी शोकार से जाएगी अभी कुछ किल्स पकड़ने के लिए। ये बलिस्टिक शील्ड फिर आ गई यार। तो फर्स्ट हाफ ठीक है, इतना बुरा भी नहीं था। NA45 बलिस्टिक शील्ड किम्बो से पिट चुका हूँ मैं काफ़ी बार, बट ठीक है यार, पिटोगे तुम, कुछ नहीं कर सकते उनके खिलाफ तो। ओके, तो सेकेंड हाफ में देखते हैं क्या होगा, मैं नहीं चाहता यार जाते ही मेरे पे NA45 चला दे कोई, तो कोशिश करूँगा थोड़ा सा पीछे खेलने की। और एकिम्बोस तो है ही है यहाँ पे, तो उनका कोई मुकाबला नहीं है भाई, तुम कितना जोर लगा लो तुम नहीं मार पाओगे। एकिम्बो नूब, शिट, दो एकिम्बो आ गए एक साथ वहाँ पे, लगता है मुझे इनको काफ़ी खौफ हुआ पड़ा है हमसे, इसलिए ये एकिम्बो यूज़ कर रहे हैं, एक NA45 वाला है भाई। ओ भाई, पटेटो पटेटो, मैं पटेटो खेल रहा हूँ इन्हीं के कारण, मुझे डर सा लग रहा है यार एकिम्बो एकिम्बो। ओ भाई, एक और बैलिस्टिक शील्ड, ये सारी चीज़ें टॉक्सिक वाली ही हैं क्या इनके पास, सिर्फ हद हो गया मतलब, सारी की सारी चीज़ें टॉक्सिक हैं इनके पास। बैलिस्टिक शील्ड कहाँ पे है, मैं उसे उड़ाऊँगा। ओके, तो वो बाहर निकल गया, बाहर से आवाज़ आ रही है, और मुझे पता है वहाँ मिड से ही आएगा एक बंदा, 101% आएगा वहाँ से, वो आ गया, इजीली मार देंगे उसे भी, तो पता चले कि NA45 से पिटना किस तरह का लगता है। ओके,
यही होना चाहिए था बंदा, पर है नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं वेट करूँगा उनका आने का, क्योंकि ये एकिम्बो नूब्स हैं, एकिम्बो लेके आ जाएंगे सीधा, और अगर मैं गुस्सा तो वो मुझे मार देंगे इजीली। तो मैं नहीं, गलतियाँ करता ऐसी ऐसी। ओके 20 असिस्ट आ गया, एकिम्बो नूबड़ा, दूसरा एकिम्बो वाला भी आ गया। जीजीज मैन, जीजीज। लगता है वहीं से आएंगे दोबारा वो। ओके वो आ गया, इजी मैन इजी। एकिम्बो को यार थोड़ा सा रेंज में खेलो तो यार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो फिर से एक एकिम्बो नुबड़ा मेरे ऊपर कूद गया है। शिट। तो यहाँ से एक बंदा आ रहा है, देखते हैं होल्ड करके, अगर वो पुश करेगा तो उसको मार देंगे इजीली। ओके तो वो नहीं आएगा मेरे ख्याल से। मैं नीचे चलता हूँ, यहाँ से पुश करेंगे, मुझे पता है 101%। अभी तक तो कोई नहीं आया। देखो पता है यार, एकिम्बो को बहुत ज़्यादा बढ़िया नर्फ की ज़रूरत है अभी फ़िलहाल। मुझे तो लगता नहीं कि अगर ऐसे गेम चलती रही तो एंटरटेनिंग भी रहेगी गेम थोड़ी सी भी। तो यहाँ पे बंदे आ रहे हैं, काफ़ी बंदे हैं यहाँ पे, तो मतलब ठीक है, एनाइलेटर ले लेते हैं अपना। ये कैसे नहीं लगा भाई, हाथ हो गया। ओके तो ये लगा कम से कम। ये नीचे बंदा बैठा है यार। ओके जीजी मैन, इन्हें हरा दिया बुरी तरह से। सब टॉक्सिक यूज़ किया इन्होंने, सब कुछ टॉक्सिक। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो यार तुम लाइक करो यार, तुम लाइक नहीं करते यार, लाइक करो। और अगर तुम चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। प्ले स्मार्ट, नोट हार्ड, एंड बाय फॉर नाउ।